Hello everyone, my name is Deeksha Jain. I secured the 22nd rank in Civil Services Examination 2018. I'm going to be talking about the GS strategy for mains in this particular video. So, सबसे पहले एक overall overview की mains की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में बात करते हैं. Mains के लिए जो सबसे ज़्यादा important चीज़ है वो है answer writing practice. आप जितना ज़्यादा answer writing practice करेंगे उतने ही ज़्यादा chances होंगे आपके mains clear करने के. इसका रीज़न ये है, सबसे पहली बात कि UPSC में जो क्वेश्चंस होते हैं और उनका अलॉटेड टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है. तो आपको अपना आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे कम शब्दों में ज़्यादा बात बोलनी है, कैसे उसको एक अच्छे एग्जांपल यूज़ करके लिखना है, दैट प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पेपर कैसे ख़त्म करना है. मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड दैट लोगों का 15 क्वेश्चन के आगे पेपर ही नहीं ख़त्म हो रहा है. पीपल आर लीविंग 2 questions, 3 questions, दे आर नॉट एबल टू कम्प्लीट द पेपर. इफ़ यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग विद अ टाइमर, इफ़ यू गिव मॉक पेपर्स, देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू विल लर्न हाउ टू कम्प्लीट द पेपर इन टाइम. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम. सेकेंड थिंग, एज यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, यू विल ऑल्सो रियलाइज कि इसमें कहाँ पर आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. जैसे अगर पहले आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे थे और आपको फील हो रहा है कि पॉइंट फॉर्म ज़्यादा बेटर लग आपको सूट कर रहा है, तो देन यू कैन शिफ्ट टू इट स्लोली. आप हेडिंग्स डाल सकते हैं, सब हेडिंग्स डाल सकते हैं, जिन लोगों को डायग्राम सूट करते हैं वो डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंट का मौका आपको तभी मिलेगा जब आप पहले प्रैक्टिस करेंगे. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मॉक पेपर्स, अगेन पेपर कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट है और इवैल्यूएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मॉक पेपर्स देते हैं तो आपको थोड़ा दूसरे लोगों का भी फीडबैक मिलता है. आप आपस में एक दूसरे के पेपर्स भी चेक कर सकते हैं, आप कहीं प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं. तो लेकिन उससे आपको जो फीडबैक मिलेगा वो आप यूज़फुल, मतलब अगर आप उसको एक फोकस्ड वे में लेंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू. ओके, तो अब ये तो हो गया मेन्स का एक जनरल अप्रोच. मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि वैसे तो हम लोगों को लगता है कि मेन्स में हम सब कुछ एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेंगे, पूरी लक्ष्मीकांत फिर से पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री फिर से पढ़ेंगे और सब करंट अफेयर्स भी पूरे रिवाइज़ कर लेंगे साल भर के. ऐसा ज़्यादातर नहीं हो पाता है. आपने प्रीलिम्स के लिए जितनी पढ़ाई की, तो प्रीलिम्स में अगर आप कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं तो काफ़ी बार ये भी पॉसिबल है कि वो मेन्स के लिए थोड़ा बहुत छूट जाए या बाद में आपके लिए पैनिक का कारण बने. तो मेरा तो अप्रोच यही रहेगा कि आप प्रीलिम्स के पहले जितना हो सके अपना रिविजन सिलेबस का कर लीजिए. मेंस में आप कौन सा टॉपिक फिर से छू पाएंगे नहीं छू पाएंगे वो टाइम कंस्ट्रेंट से हो जाता है कभी कभी. मेरे केस में फॉर एग्जांपल, मैं लक्ष्मीकांत पूरी फिर से नहीं कर पाई थी. मैंने बस फंडामेंटल राइट्स और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए थे, मैं उनको फिर से मेंस के लिए नहीं रिवाइज कर पाई थी. तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर रिविजन नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, वो आपका एक अलग तरीके का रिविजन होगा. ओके, तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो सबसे पहले हिस्ट्री, GS1 पेपर जो होता है हिस्ट्री में, जो मैंने जिन सोर्सेज से पढ़ाई की थी वो थी 11th 12th की NCERTs. इसके अलावा मैंने क्लासेस अटेंड की थी, उसमें क्लास में अगर कुछ मैंने एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसके अलावा मैंने NCERTs के अलावा कुछ नहीं किया. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने नॉर्मन लॉ पढ़ी थी. एक NCERT की बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है वो ये है कि उसमें एनालिसिस बहुत अच्छा दिया होता है. एक हिस्ट्री होती है कि आपको फैक्चुअली पता है कि क्या चीज़ किसके बाद हुआ और किसने क्या किया, एंड दूसरा होता है कि आप उसको एक लॉन्ग टर्म व्यू में देख सकें और उसको आप एनालाइज़ कर सकें अच्छे से. अगर आप वो कर पा रहे हैं तो वो बहुत ही, मतलब आपको 1-2 marks उससे बेटर ही मिलेंगे. और ज़्यादातर UPSC क्वेश्चंस ऐसे पूछता है जो एनालिसिस ओरिएंटेड होते हैं. जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी की जो वैल्यूज़ थी, उनकी जो मतलब फ़िलोसफी थी, उसकी अभी के टाइम्स में क्या रेलिवेंस है. तो इट इज़ एन एनालिसिस ओरिएंटेड क्वेश्चन, तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए. करंट अफेयर्स में अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट फिर से आया है, जैसे 2017 में चंपारण सत्याग्रह को 100 साल हो गए थे तो हमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, तो ऐसे मेंस में भी आता है. तो प्लीज़ कीप एन आई आउट फॉर सच क्वेश्चंस. सेकंड इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में मेरा जो अप्रोच था वो अगेन NCERT ओरिएंटेड था. 11th 12th की NCERT, GC लियोंग पर एक बुक है उससे भी मैंने पढ़ा था, और उसके अलावा क्लास में अगर कुछ मैंने पढ़ा तो नोट्स वगैरह वो भी पढ़े थे. ज्योग्राफी के आंसर में आप मैप्स बना सकते हैं, आप थोड़े बहुत डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके आंसर को एनहांस करेगा और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी दिखाएगा. तो दैट इज़ एडवाइजेबल. ज्योग्राफी इज़ अ गुड एरिया जहाँ पर आप डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं.
तीसरा सेक्शन GS1 का होता है सोसाइटी। अब वैसे तो सोसाइटी और सोशल इश्यूज की NCERT होती है, लेकिन वो आपको एक बस बेस ही बनाएगी कि अच्छा इंडिया में जो मेन मेन इश्यूज हैं कास्ट, ट्राइब्स, जेंडर, कम्युनलिज्म, रिलीजन जैसे हो गया, तो ये जो सारे इश्यूज हैं वो आपको एक बेस बना देगी, लेकिन आपको उसके ऊपर बिल्ड करना होगा करंट अफेयर्स की हेल्प से। अगर करंट में कोई इशू इंडिया फेस कर रही है, जैसे अगर वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे सेक्स रेशियो पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो काफ़ी बढ़ी हुई है और स्पेशली कुछ स्टेट्स में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको थोड़ा सा इसका अगर आप डेटा याद रख सकें, इसका आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकें, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो उसके बारे में आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो सोसाइटी 80% इज़ मोर करंट अफेयर्स एंड मोर अपनी आपकी जो आप आसपास अपनी आंखों से जो सोसाइटी में देख रहे हैं वो, एंड 20% इज़ द बेस ऑफ जो एक इंडियन सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग होती है वो। तो इसके लिए आप प्लीज़ करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से देखें, आप सेंसस का डेटा पढ़ सकते हैं, अगर आपको कहीं पे सोसाइटी के थोड़े कंसोलिडेटेड नोट्स मिल जाए, क्लास नोट्स मिल जाए, तो आप वो भी देख सकते हैं। GS2 की जैसे अगर हम बात करें तो पहला हो गया पॉलिटी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी गुड बुक, आप जो कि अपने बेसिक्स हैं आप लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आप इजीली आंसर कर सकते हैं। जो कोर पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है, कौन अपॉइंट करते हैं कमेटी, ये सब बहुत ही फैक्चुअल होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इंटायरली फैक्चुअल, UPSC कम पूछता है। तो अगर जैसे इलेक्शन कमीशन के कुछ इश्यूज़ हैं तो वो भी आप साथ में पढ़ें, और लक्ष्मीकांत में ये इश्यूज भी थोड़े बहुत दिए हुए हैं, बट आप करंट अफेयर्स को ज़रूर इसमें देखते रहें कि अगर रिसेंटली कोई कंट्रोवर्सी हुई है, कोई चीज़ चर्चा में रही है, कोई मतलब एनालिसिस में ऐसे आ रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सब आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। अपने आंसर्स को कोशिश करिएगा ज़्यादातर ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ही एंड करें, क्योंकि हम एक सिविल सर्वेंट इसीलिए बनना चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव वे में देश को आगे बढ़ाएं, तो वी मस्ट अप्रिशिएट व्हाट इज़ बीइंग डन एंड उसको आगे कैसे ले जाना है, ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। पॉलिटी के बाद गवर्नेंस आता है। गवर्नेंस में कुछ तो होते हैं कीवर्ड्स, जैसे गुड गवर्नेंस का क्या मतलब है, इसके टेनेट्स क्या है, कुछ जैसे सिटीजन्स चार्टर, सोशल ऑडिट, इस टाइप की चीज़ें हैं जो काफ़ी चीज़ें आपके UPSC के सिलेबस में ही दी हुई हैं। आप इनको, आपको जो सोर्स सूटेबल लगे आप वहाँ से इनको ज़रूर पढ़ें। अगर आपने कहीं क्लासेस ली हुई है वहाँ ये पढ़ाया जा रहा है तो दैट इज़ ओके, अगर आप किसी कंपाइलेशन में पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट इनको आपको करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इसको अगर आप करेंगे तो आप एक एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे, नहीं करेंगे तो आप वेगली बात करते रहेंगे, और मतलब आप अपने मन से पॉइंट्स बना के लिख सकते हो बट फिर आपको उतने अच्छे मार्क्स शायद ना मिले। तो गवर्नेंस एक अच्छा एरिया है, इसमें भी प्लीज़ करंट अफेयर्स का ओरिएंटेशन ज़रूर रखें। जैसे फॉर एग्जांपल मेघालय बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने सोशल ऑडिट को अपने गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स वगैरह में कंपलसरी कर दिया, तो इसको अगर आप एक सोशल ऑडिट के आंसर में मेंशन करेंगे तो इट इज़ अ गुड थिंग, वो आपके आंसर में वैल्यू ऐड करेगा। इसके अलावा पेपर टू में IR इंटरनेशनल रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसमें से एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, 70-80% करेंट अफेयर्स ओरिएंटेशन होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो चीज़ न्यूज़ में है। पिछले साल इंडिया और इसराइल की बहुत सारी मीट्स हुई, एक जिसे हम लोग कहते हैं डी कपलिंग ऑफ इसराइल और पैलेस्टीन इशू हुआ, तो ये सारी चीज़ें बहुत न्यूज़ में थी, तो इसराइल और इंडिया के रिलेशन पर क्वेश्चन भी आया, तो ये आप बिल्कुल इसको न्यूज़ फॉलो करते रहें, एडिटोरियल्स फॉलो करते रहें न्यूज़पेपर्स में, राज्यसभा TV पे भी एनालिसिस आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, उनको देख सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर एक हिस्टोरिकल व्यू ऑफ रिलेशनशिप भी लेके चलेंगे तो इट विल बी गुड। जैसे अगर इसराइल में की बात करें तो नॉट जस्ट कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है बट जो पहले हो चुका है, जैसे इसराइल ने कारगिल वॉर में इंडिया की हेल्प की थी, तो वो भी अगर आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं तो इट इज़ गुड। इसराइल पैलेस्टीन इशू के रूट्स क्या हैं उसकी भी आपको थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। इसके लिए सोर्सेज वही हैं, अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो क्लास में आपको बताया जाएगा, नहीं तो मंथली कंपाइलेशन में भी बहुत अच्छे से डेल्ट होते हैं ये सारी चीज़ें। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए दैट इज़ इनफ। हेल्थ और न्यूट्रिशन टाइप के टॉपिक्स भी हैं पेपर टू में। एक गुड सोर्स ऑफ डूइंग दिस इज़ योजना का जो भी अगर आपको एडिशन मिल जाए जो हेल्थ और न्यूट्रिशन से डील कर रहा है, उसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स की एक समरी मिल जाएगी, मेजर इश्यूज जो गवर्नमेंट फेस करती है पब्लिक को हेल्थ और न्यूट्रिशन दिलाने में वो भी आपको पता चल जाएगा, और क्या चेंज हुआ है हमारी पॉलिसी में वो भी पता चलेगा।
मैंने योजना के नोट से ये चीज़ की थी तो दैट वाज गुड. उसके अलावा आप अगर कहीं कंपाइलेशन में पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वली फाइन. आपको बेसिकली ये टॉपिक एक बार अच्छे से करने चाहिए. अगर कोई चीज़ सिलेबस में डायरेक्टली मैंशन है तो उसको आपको एक फोकस वे में पढ़ना भी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आते हैं सिलेबस में से. GS3 की जैसे बात है, सबसे पहले तो इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए बहुत डाइवर्स सोर्सेज है. एक बेसिक बुक जो मानी जाती है रमेश सिंह की, दैट इज़ अ गुड बुक. देर आर ऑनलाइन लेक्चर्स ऑन इकोनॉमी विच आर सपोज टू बी वेरी गुड. तो आप उन सबको यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड सूटेबल लगे. अगर आपको क्लासेस अटेंड करने में या ऑनलाइन लेक्चर्स देखने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वैसे समझ लो. इकोनॉमी इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल. एक बार इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद करंट अफेयर्स रिलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो इकोनॉमी बस यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में अगर जैसे बैंक्स में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो फ्रॉड की हो चाहे वो एक्सेसिव लोन्स की हो, तो आप उन टॉपिक्स को फॉलो करते रहें, उनके ऊपर एडिटोरियल्स पढ़ते रहें, तो वो इट विल गिव यू अ गुड पॉइंट, इट विल गिव यू गुड पॉइंट्स टू राइट इन द आंसर. इकोनॉमी के बाद जैसे बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं, कुछ तो कोर है. जैसे एग्रीकल्चर इज़ अगेन पार्ट ऑफ इकोनॉमी. आप जहाँ से भी पढ़ेंगे एग्रीकल्चर भी आप पढ़ेंगे, उसके इशूज़ क्या हैं, स्कीम्स क्या हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा. बट जो बाकी के टॉपिक्स हैं, सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं. तो इनके लिए न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा बेटर सोर्स है, क्योंकि जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर में आ रही है उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा 99%. डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैनेजमेंट में जो डिज़ास्टर स्पेशली इंडिया के लिए रेलिवेंट है, जैसे साइक्लोन फानी अभी उड़ीसा में आया है तो शायद साइक्लोन पे क्वेश्चन बन सकता है मेंस में. अगर कहीं पे अर्थक्वेक है या फिर लैंडस्लाइड हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, उन पे भी क्वेश्चंस आए थे. तो आप थोड़ा सा अवेयर रहें कि देश में कौन से डिज़ास्टर्स इंपॉर्टेंट हैं एंड उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन थोड़ा फोकस कर सकेंगे. बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए आप मतलब एक जनरल ओवरव्यू जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब, और इनके साथ हमारी बॉर्डर का नेचर क्या है, म्यांमार भी है जैसे, वो एक बार ज़रूर ओवरव्यू देख ले. इवन मंथली कंपाइलेशन वगैरह में सिक्योरिटी का आता है एक सेक्शन, उसमें काफ़ी बार ये ठीक से कवर्ड होता है. उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज होते हैं, तो जो चीज़ आपको न्यूज़ में ज़्यादा पढ़ने में आए, जैसे ड्रग्स काफ़ी बड़ा इशू आजकल चल रहा है, तो हमें मेंस में ड्रग्स का क्वेश्चन आया था. साइबर सिक्योरिटी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इशू. ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ है क्योंकि न्यूज़ में आते रहते हैं. गवर्नमेंट का ट्रैफिकिंग के ऊपर बिल भी आया था रिसेंटली. तो ये सारी चीज़ें आप मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ में इनमें ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. GS4 का पेपर होता है एथिक्स एंड इंटेग्रिटी का. ये अगेन एक बहुत ही क्रिएटिव स्पेस ये भी आपको देता है. एथिक्स के पेपर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको करने ही हैं, जो मॉरल फिलोसोफर्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, इनको आप किसी भी सोर्स से कर सकते हैं. लेक्सिकन इज़ अ गुड बुक टू डू दैट. अगर आप कहीं क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है नोट्स अच्छे हैं, तो आप क्लास नोट से ही कर लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो इनफ. इन सारे टॉपिक्स को आपको बस एक ब्रीफ डेफिनेशन और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल और फिलोसफी में चले जाएँ. एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसको आप सब्सटैंशिएट कीजिए हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से, करंट अफेयर्स में इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके एग्जाम्पल से, और मॉरल फिलोसोफर्स की जैसे जो एक फ्रेमवर्क मिल जाता है हम लोगों को, जैसे इमैनुअल कांट का डिग्निटेरियन फ्रेमवर्क है, एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फ्रेमवर्क है, इन सब फ्रेमवर्क से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए. जो इम्पॉर्टेंट इशूज़ है, जैसे सरोगेसी एक इंडिया में इम्पॉर्टेंट इशू था कि सरोगेसी कमर्शलाइज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो आप इन सब चीज़ों का एथिकल पर्सपेक्टिव ज़रूर देखिए, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं. इसके अलावा केस स्टडीज़ होती है एथिक्स के पेपर में, उसमें द आइडिया इज़ दो चीज़ें चेक करना, आपकी एथिकल इंटेग्रिटी. जितनी आपने मॉरल फिलोसफी, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ी है, आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में उनको कैसे अप्लाई कर रहे हैं और कितना अच्छे से आप प्रेशर में सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं. Don't forget to subscribe with us and press the bell icon to never miss the video on Chanakya IAS Academy.